मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा की शानदार पहल, प्रदेश की प्रतिभाओं से सोमवार को मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा। सिविल सर्विस परीक्षा में सफल प्रदेश की प्रतिभाओं को मुख्यमंत्री लंच देंगे। सिविल सर्विस परीक्षा में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले युवाओं को मुख्यमंत्री आवास पर दिया जाएगा भोज और मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा करेंगे सभी से मुलाकात और बातचीत। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरीके की पहल की जा रही है और ये पहल बताती है कि युवाओं के समर्पण भाव, उनकी मेहनत को सरकार के तरीके से ऑब्जर्व कर रही है और मुख्यमंत्री ने वो पहल शुरू की जो इससे पहले प्रदेश के अंदर नहीं। वही मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्वी दिल्ली में ओसवाल समाज भवन में प्रवासी जैन समाज के लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री वजनलाल ने कहा कि राजस्थान के भार को पूरा करने का प्रयास करूंगा। साध्वियों को नमन करते हुए कहा कि आपने मुझ पर जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरूंगा। सीएम ने जैन समाज के साधुओं को स्टेट अतिथि घोषित किया है। प्रदेश की तरफ से आप मेहमान होंगे। साध्वियों ने बड़ा योगदान दिया है। हमारे पीएम देश को साधु संतों के अनुसार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री वजनलाल ने कहा कि इस युग में देश को आगे बढ़ाने, मजबूत करने की जरूरत है। दिल्ली के सभी 7 सीटों को जीतना है और इस दौरान पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा सहित जैन समाज के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आचार्य मातृवण जी के नेतृत्व में आज 13 पंथी समाज देश और धर्म हित के काम में लगा हुआ है। भावांजलि प्रज्ञा के मासूर मां प्रज्ञा जी के 15वें महाप्राण दिवस पर आयोजित इस पवित्र कार्यक्रम में बुलाने के लिए मैं श्री जैन श्वेतांबर 13 पंथी सभा का आभार व्यक्त भी करता हूं। तेरापंथी जैन धर्म की शाश्वत प्रवाहमान धारा का युग धर्म है। आचार्य भिक्षु 13 पंथ के प्रथम आचार्य थे। चतुर्थ आचार्य जय आचार्य जी ने उन्नति के शिखर पर ले जाने का कार्य किया। 9वें आचार्य श्री तुलसी जी ने अनेक क्रांतिकारी कदम उठाकर इसे सभी जैन संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय बनाने का काम किया। 10वें आचार्य श्री महाप्रज ने इस धर्म संघ को विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित किया और 11वें आचार्य श्री महाद्रवण जी इसे व्यापक फलक प्रदान कर जनमानस को प्रतिष्ठित करने का काम कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने दिल्ली उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के पक्ष में चुनावी प्रचार किया। इस दौरान मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा ने कहा कि मनोज तिवारी एक मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन्हें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी ही जीतेगी। जरा सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनोज तिवारी जी बहुत ही मजबूत, बहुत ही कर्मठ पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको निश्चित रूप से जीत मिलेगी और हम दिल्ली की 7 लोकसभा सीट हम जीतेंगे। जिस तरह से मैं कार्यकर्ताओं को उत्साह उमंग देख रहा हूं, दिल्ली में पूरी तरह से 7 सीट हम जीतेंगे। उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है और जिस उम्मीद को लेकर के वो आए थे जनता को दिया, उस पर पूरा उन्होंने पानी फेर दिया। टोंक में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई और हादसे के अंदर कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सदर थाना इलाके के NH-52 पर सदर थाने के पास की घटना है। घायलों को सादत अस्पताल ले जाया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और जयपुर से कोटा जा रही कार हादसे का शिकार हुई। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है लेकिन जिस तरीके से हादसा हुआ उसमें जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है लेकिन 2 लोगों की इस हादसे में जान चली गई।
वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हुए कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई है। सवाईमाधोपुर जिले में हुए इस सड़क हादसे में 2 बच्चे भी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक कार सवार झुंझुनू जिले के मुकुंदगढ़ का परिवार रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जा रहा था। बोली थाना क्षेत्र में बनास पुलिया के पास उनकी कार एक ट्रैक्टर से भिड़ गई। शवों को बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकाला जा सका। वहीं एक्सीडेंट में 2 बच्चे मनन और दीपाली गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट किया गया। इसके बाद उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। मनीष शर्मा के मामा दिनेश महर्षि ने बताया कि मनीष शर्मा ने 24 अप्रैल को ही नई इको कार ली थी, जिसके बाद परिवार रणथंबोर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाने से मुकुंदगढ़ में शोक की लहर है। दोनों बेटों की मौत हो जाने के बाद अब परिवार में बुजुर्ग माँ और बच्चे रह गए। दोस्त कैलाश रेवाड़ का अंतिम संस्कार दोसा की धाणी में किया गया और बुआजी संतोष का खाटू श्यामजी में किया गया। दोनों भाई और उनके धर्मपत्नी को सपत्नीक अंतिम संस्कार दिया गया, उनको विदाई दी गई। शोक में मुकुंदगढ़ के व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर अंतिम विदाई दी। जोधपुर से खबर है, पुलिस अधिकारी सरजील मलिक को लेकर पुलिस टीम पहुंची जोधपुर। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया जोधपुर। पाल रोड स्थित निजी अस्पताल में लाया गया मलिक को। सिर की चोट होने के कारण गंभीर बताई जा रही हालत। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा पुलिस के अन्य जवान भी अस्पताल पहुंचे हैं। सीटी स्कैन होने के साथ तस्वीर आएगी सामने। रिपोर्ट की गंभीरता के बाद उठाया जाएगा कि एम्स लेकर जाना है या MDM अस्पताल ले जाने के कदम उठाए गए। सड़क हादसे में गंभीर घायल हुए पुलिस सब इंस्पेक्टर सरजील मलिक और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई। वहीं अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में जैसर के 3 JKM गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला कर दिया और सोने की बालियां लूटकर बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद महिला को गंभीर हालत में राजकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। JKM में अज्ञात बदमाशों ने चाकुओं से गोंदकर महिला की हत्या कर दी। आज दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने 3 JKM में इस घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद गंभीर घायल अवस्था में महिला संतोष, जो कि 32 वर्षीय है, उसे श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। चिकित्सकों के उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस की टीम अब मामले की गहनता से जांच में जुट गई है, ताकि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को पकड़ लिया जाए। कैमरा पर्सन के साथ कमल मिड्डा, फर्स्ट इंडिया, श्री विजयनगर। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के अंतर्गत डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड पर शराब के ठेके पर शराब खरीद को लेकर विवाद हो गया। 4 से 5 बदमाशों ने सेल्समैन पर तलवार से हमला कर दिया। वहीं ठेके में तोड़फोड़ करके गल्ला भी लूटकर फरार हो गए। घायल सेल्समैन को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाबूलाल गवारिया शराब ठेके पर सेल्समैन है। सेल्समैन ने शराब देने से मना कर दी। इस पर बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ तलवार से वार कर दिया। वहीं हमलावर दुकान में तोड़फोड़ कर शराब और गले में पड़े करीब 10,000 रुपए का कैश लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। गली गलोच करी, दारू फोकट में मांग रहे थे, मेरे का दारू नहीं मिला, उधर उधर दारू मांग रहे थे और कहीं से हथियार लेके आए, वो मैंने मार पीट के तेरे को दुश्मनी क्या है, मैं कुछ नहीं, ले जाते रहे फ्री में, दे ले जा पैसे कल देना, मेरे को मारा तो लोन लोन कर दिया मेरे को। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में मास्टर आदित्येंद्र सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पुलिस ने एक फर्जी परीक्षार्थी को नीट की परीक्षा देते हुए हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक फर्जी परीक्षार्थी डॉक्टर अभिषेक करौली का रहने वाला है, जो राहुल गुर्जर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था। फर्जी परीक्षार्थी डॉक्टर अभिषेक को हिरासत में लेने पर उसने बताया कि उसके अन्य साथी परीक्षा केंद्र के बाहर इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर सभी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान उन्होंने भागने की भी कोशिश की और एक पुलिसकर्मी के पैर पर गाड़ी को चढ़ा दिया। मथुरा गेट थाने पर सभी ने पूछताछ की। जांच अधिकारी का कहना है कि अभी पूरे मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। एग्जाम में एक
राहुल गुर्जर सन ऑफ अमर सिंह, उम्र 20 साल, जाति गुर्जर, निवासी भंडाना, जीरोता थाना सदर दौसा। इसके स्थान पर डॉक्टर अभिषेक, उम्र 23 साल, जाति वैश्य, ये करौली के रहने वाले, इनको एग्जाम में बैठा हुआ पाया गया। उन्होंने पकड़ के और इसको डॉक्टर अभिषेक को पुलिस को सुपुर्द किया, शिवलाल को। तो शिवलाल ने इससे वहाँ फौरी पूछताछ की, इसने बताया कि मेरे साथ में और भी 4-5 लोग और हैं। तो उसके बाद में इन्होंने SHO साहब यहाँ मथुरा गेट के हैं करण सिंह जी, उनको सूचना दी। तो करण सिंह जी और उनकी टीम ने एग्ज़ाम फिनिश होने पर जो इसके साथ के जो लोग थे और इसको डमी कैंडिडेट बनाकर एग्ज़ाम में बैठाने में जिनमें भूमिका थी सब लोगों की, उनको वहाँ मौके पर पकड़ के लाएँ और यहाँ थाने पर डिटेन करके लाएँ और इस पूरे मामले में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में विधिक कार्रवाई जारी है। रिटायर्ड IAS यदुवेंद्र माथुर के निधन, ब्यूरोक्रेसी में शोक की लहर इसके बाद छा गई। कल रिटायर्ड IAS यदुवेंद्र माथुर का निधन हुआ था, जिनकी पार्थिव देह चेन्नई से वाया हैदराबाद फ्लाइट से जयपुर पहुंची। कल सुबह 9 बजे लालकोठी मोक्ष धाम पर यदुवेंद्र माथुर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एयरपोर्ट पर परिवार के साथ राजस्थान ब्यूरोक्रेसी के गणमान्य भी मौजूद रहे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के अस्पताल परिसर में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आने वाले रोगियों, उनके परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों को हाथों की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करने और गंदे हाथों से होने वाले संक्रमण रोगों को रोकने के लिए बैनर पोस्टर्स के माध्यम से जागरूक किया गया। मरीजों और उनके परिजनों को चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों ने हाथों को अच्छी तरह धोने के लिए 7 स्टेप्स बताए हैं और स्वस्थ रहने के लिए हाथों की स्वच्छता से जुड़ी जानकारी दी है। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए हमारी स्वच्छता और हाथों का स्वच्छ होना बेहद जरूरी है। अस्पताल अधीक्षक प्रोफेसर अनुपम श्रीवास्तव ने कहा कि हाथों से होने वाले इन्फेक्शन के कारण कई बीमारियाँ होती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अस्पताल परिसर में वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, नर्सिंग कर्मी और अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। 5 मई वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है। WHO द्वारा इसको 2009 में मनाना स्टार्ट किया गया था और बेसिक इसका जो उद्देश्य है या जो उसका यह है कि आप अपने हैंड को की जो हाइजीन है उसको कैसे मेंटेन करें, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने आसपास जिन चीज़ों को छुआ है उन कीटाणुओं, विषाणुओं इत्यादि से अपना बचाव करते हैं। और कई बार जब हमारी जो फॉल्टी फूड हैबिट्स होती हैं, हमने अगर कहीं भी टच किया हुआ उसके बाद हम कुछ भी खा लें तो वो जो इन्फेक्शन है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमने अभी अपने रिसेंट पास में देखा हुआ है कोविड का एग्जांपल, जिसमें हैंड हाइजीन के बारे में बहुत विशेष रूप से जोर दिया गया। जयपुर के रामबाग पैलेस में वेज इन इंडिया एक्सपो का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ और महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार IAS मनीषा सक्सेना मौजूद रहे। एक्सपो में विभिन्न प्रकार की पैनल चर्चाएं हुई, जिनमें इंडिया अवेट्स टू इवेल्युएटिंग द रेडीनेस ऑफ इंडियाज वेडिंग इकोसिस्टम टू फेस इंटरनेशनल कंपटीशन लोकल बट ग्लोबल, इंडिया इन द न्यूज सेशन विद इंटरनेशनल वेडिंग प्लानर्स एंड गेटिंग इंस्पायर्ड एनालाइजिंग सक्सेस स्टोरीज एंड चैलेंजेस जैसे विषय शामिल रहे। वेड इन इंडिया एक्सपो का मकसद डोमेस्टिक वेडिंग्स को बढ़ावा देना रहा। जो पूरा एक्सपो है इसमें कोशिश ये है कि पूरी दुनिया से वेडिंग प्लानर्स को हम अट्रैक्ट करें भारत की तरफ, उन्हें दिखाएं कि भारत में कितनी डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो राजस्थान के फोर्ट्स और कैसल्स हों, चाहे गोवा और केरला के बीचेस हों, चाहे हिमालय के पहाड़ हों, और इस तरह के टी गार्डन्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, बहुत सारी सुंदर लोकेशंस हैं। तो शादियां चाहे किसी भी तरह की हों, किसी भी कल्चर की हों, कहीं से भी लोग आ रहे हों, वो भारत की ओर देखें
कि हाँ भारत में जब हम शादी करेंगे तो वो एक अलग मेमोरी होगी हमारे लिए और हमारे गेस्ट्स के लिए। पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में सबसे जिसको कहनी चाहिए बड़ी बड़ी वेडिंग्स हुई है, जिससे पूरी दुनिया का ध्यान राजस्थान की तरफ आकर्षित हुआ है, और इसी को आगे बढ़ाते हुए ये केवल एक शादी ही नहीं है, ये किस तरह से हम यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं, इसको हमने ध्यान में रख करके इस बार का जो GITB का अपना एनुअल इवेंट होता है तो एक स्पेशल सेशन उसमें वेड इन इंडिया एक्सपो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया है। हम बाहर क्यों जाएं अपने बच्चों की शादियाँ करने, और जो हम पैसा खर्च करेंगे इससे समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग और गरीब वर्ग को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई भी शादी होती है तो फूल वाला डेकोरेशन वाला सभी कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं। तो वेड इन इंडिया के आधार से हमारे सभी लोग जो धनी लोग हैं उनके पैसे से हमारे गरीब लोगों को लाभ होगा। फिक्की के सारे बिजनेस मेंबर्स इस काम में भाग्यशाली हों, ये हमारे लिए सौभाग्य है।